जब मैं एक बार वो गीत शुरू कर दूंगी तो उसका ट्रांसलेशन मैं पर पैराग्राफ करूंगी, पर सेंटेंस नहीं करूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो फ्लो में नहीं जाएगा। हेलो हेलो माय यूट्यूब लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू हियर देन वेलकम टू माय चैनल। हम बढ़ते जा रहे हैं फैमिली नंबर्स में एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी बिकॉज आई वुडंट बी हियर इफ यू वर्नट हियर, सो थैंक यू अगेन। आज की जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे इसकी रिक्वेस्ट आती है अभी भी। वो है एक वीडियो जो मैंने बनाई थी एक कप चा वाली, जो एक पंजाबी गीत है, वो मैंने शेयर किया था। आपने उसको इतना प्यार दिया है और वैसे ही और गीतों की इतनी रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए मैं एक और पंजाबी कल्चर का आपके लिए गीत लाई हूं। थोड़ा सा फनी सा है, जो फोकस करता है सास और बहू पे। अब अगर आपको पंजाबी आती है तो आप मेरी ये जो इंट्रोडक्शन है उसको स्किप करके सीधा वहां पर पहुंच जाए, मैं टाइम स्टैम्प रखूंगी, आप क्लिक कर लें। दूसरा, अगर आपको रट्टा मारना आता है और आपको फर्क नहीं पड़ता कि उसका मीनिंग क्या है, तो देन ऑल्सो यू कैन स्किप एंड आप उसे रट्टा मार लो मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ उसको। जो लोगों को मीनिंग समझना है वो मीनिंग मैं आपको क्विकली इस वक्त समझा देती हूँ। सबसे नंबर वन इस गाने का समझ लो, सस तो सास है, नू मतलब बहू, और अगर बहुत ज्यादा बहुएं हैं या एक से ज्यादा बहुएं हैं तो नूहा इज हाउ वी से इट इन पंजाबी, सास नू या नूहा। इस केस में मैं ऐसे गाऊंगी जैसे कि मैं अपनी सास के लिए गा रही हूं, तो मैं अकेली बहू हूं तो आई विल से नू नॉट नूहा, ठीक है, ये होगी एक चीज। दूसरा, ये एक नटखट सॉन्ग है, विच मीन्स अगर इसमें एक ऐसा वर्ड आता है जिसमें मैं तेरी या ओदी, ओदी इन पंजाबी मीन्स उसकी, विच ऑब्वियसली आप अपने बड़ों को तू करके बात नहीं करते पंजाबी में, तो बिल्कुल भी नहीं, पंजाबी में आप तुसी तुहानू एकदम इज्जत देके करते हो, लेकिन जब आप बोली गाते हो या गीत गाते हो तो आप अपने से बड़ों का अगर मजाक उड़ा रहे हो तो आप तू तड़ाक करके कर सकते हो, क्योंकि सबको पता है ये सिर्फ एक बोली है, इट्स नॉट एक्चुअली टारगेटेड ऑन द पर्सन, ये हंसी मजाक के लिए है। तो इस गाने में जो बहू सास को एड्रेस करती है वो तू करके करती है, तो इसलिए प्लीज ऑफेंड मत हो जाना। अनदर फोकस ऑफ दिस गीत इज कि इस गाने में एक तीर से दो निशाने लगेंगे, एक सास पे एक ससुर पे। ये यूजुअली लेडीज संगीत में या शादी के टाइम गाया जाता है, या लड़के की साइड से या लड़की की साइड से। एंड द सॉन्ग गोज इन अ वे, सस नू दा मुकाबला अम्मो सामने, विच बेसिकली ट्रांसलेट्स टू सास और बहू का मुकाबला, अम्मो सामने ट्रांसलेट्स टू आमने सामने। तो हमेशा जब कोई गीत होता है आपको हमेशा एक ऑडियंस चाहिए होती है जो या तो पीछे से बोलती है शावा या बल्ले, या इस केस में वो बोलेगी आमो सामने। तो जैसे आप बोल रहे हो सस नू दा मुकाबला, ऑडियंस बोलेगी आमो सामने। अब हम शुरू करते हैं, आपको सारे पॉइंटर्स समझ आ गए, मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ। अब हम शुरू करते हैं इस गीत को, 3 2 1। सस नू दा मुकाबला आमो सामने, सस नू दा मुकाबला आमो सामने, तेरी दिल्ली मेरा आगरा आमो सामने, ओदी दिल्ली मेरा आगरा आमो सामने। सो यू अंडरस्टूड, सास बहू का मुकाबला, ऑडियंस बोल रही है आमने सामने, आमो सामने। पैराग्राफ इज, नू तो डरदी सस जुत्ती ना पौंदी, नू तो डरदी सस जुत्ती ना पौंदी, सौरा सैंडल लेके आ गया आमो सामने, सौरा सैंडल लेके आ गया आमो सामने, सस नू दा मुकाबला आमो सामने। विच अगेन, अगर आप समझ ही गए हो इसका मीनिंग तो ग्रेट। मैंने कहा नू तो डरदी सस, अगर मल्टीपल बहुएं हैं सो यू कैन से नूहा तो डरदी सस, ठीक है, जैसे मैंने बताया था नू सिंगल, नूहा मल्टीपल। तो इसमें बोल रहे हैं कि बहू से डरते हुए सास जुत्ती नहीं डालती, जो पंजाबी जुत्ती होती है। तो ससुर जी सैंडल लेके आ गए आमने सामने, ही सो स्वीट, अपनी बीवी की जो हमारे ससुर है उन्होंने सास के लिए ऐसा कर दिया कि उनको टेंशन की जरूरत नहीं, जुत्ती नहीं पहननी, तो वो सैंडल लेके आ गए। सो दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है, आप उन दोनों को टीज कर रहे हो। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है विल गो लाइक दिस, नूहा तो डरदी सास मेकअप ना कर दी, नूहा तो डरदी सास मेकअप ना कर दी, सौरा पाउडर लेके आ गया अम्मो सामने, सौरा क्रीमा लेके आ गया
अम्मो सामने सस नू दा मुकाबला अम्मो सामने। सो अगेन इट मीन्स कि बहू से डरते हुए सास जो है मेकअप भी नहीं लगाती, इतना डरती है अपनी बहू से। तो ससुर जी जो है वो पाउडर इज अ पंजाबी वे ऑफ सेइंग इट, पाउडर एंड क्रीम लेकर आ गए। नेक्स्ट पैराग्राफ इज नूहा तो डरती सस रोटी ना खांदी, नूहा तो डरती सस रोटी ना खांदी, सौरा पिज्जा लेके आ गया अम्मो सामने, सौरा पिज्जा लेके आ गया अम्मो सामने, सस नू दा मुकाबला अम्मो सामने। अगेन सिंपल मीनिंग है कि वो रोटी नहीं खाती बहू से डरते हुए, तो ससुर जी पिज्जा लेकर आ गए। नूहा तो डरदी सस गल्ला न कर दी, नूहा तो डरदी सस गल्ला न कर दी, सौरा आईफोन लेके आ गया अम्मो सामने, सौरा आईफोन लेके आ गया अम्मो सामने। द रीजन मैं इसे दो बार गा रही हूँ, यूजुअली क्या होता है जब पंजाबी लेडीज आपके साथ बैठी होती हैं, जब आप एक बार गाते हो तो सेकंड टाइम वो गाती हैं। अगर आप एकदम एक ही बार गाओगे ना तो वो मजा नहीं आता, बड़ी जल्दी जल्दी जा रहा होता है। तो पंजाबी में काफी चीजें दो बार आप करते हो, जिसे बोली चकना भी कहते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम जब गाते हो जो आसपास के लोग हैं वो उसे चखते हैं, उसे और जोर से गाते हैं पूरे ग्रुप में, तो उसे बोली चखना कहते हैं। वैसे गीत भी चख दिया जाता है, दिस इज व्हाई आई एम सिंगिंग इट डबल। आप सिंगल भी कर सकते हो इफ यू वांट, मैं अभी एक सिंगल करके दिखाती हूँ आपको जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, विच इज गोइंग टू बी नूहा तो डरदी सस साड़ी ना पौंदी, सौरा जीन लेके आ गया अम्मो सामने, सौरा जीन लेके आ गया अम्मो सामने, सस नू दा मुकाबला अम्मो सामने, तेरी दिल्ली मेरा आगरा अम्मो सामने। दैट्स इट, हो गया खत्म। आपने एक तीर से दो निशाने मार दिए, सारी ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगा वहां पे जितने भी आपके पास होंगे लोग, एंड ये एक हल्की सी चीज है, बड़ा अच्छा गीत है, आप शादी के टाइम गाओ। अगर आपको कोई और सॉन्ग रिक्वेस्ट हो जो आपको पता हो और आप मुझे सिखाना चाहो तो आई वुड लव टू लर्न, यू नो आई लव इंडियन कल्चर, एंड ये नहीं है कि मैं सिर्फ पंजाबी गाने ही सीखना चाहती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न एनी अदर कल्चरल सॉन्ग्स इफ यू हैव। So I hope you enjoyed today's video. If you use this song, please definitely let me know. I love seeing people use my boliyan. मुझे Instagram पे हमेशा share करते हो, तो जरूर ये गीत भी share करना अगर आपने ये कभी गाया तो। So I hope you have a wonderful weekend ahead. I will see you next Friday. Until then, live, laugh and eat a lot of potatoes. Bye.